दोस्तों आज है वर्ल्ड यूथ स्किल डे। इस स्पेशल डे पर हम बात करेंगे स्किल्स की। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप सबको BFSI के बारे में, आज बात करेंगे BFSI के पार्टिसिपेंट, BFSI की अपॉर्चुनिटीज और BFSI में जॉब पाने के लिए कौन कौन से स्किल की जरूरत पड़ती है। दोस्तों BFSI जो इंडस्ट्री है इसमें आखिर कौन कौन सी कंपनी आती है, चलिए जानते हैं। इसमें नाम से ही पता चल रहा है बैंक, फाइनेंस कंपनीज, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ब्रोकर फर्म्स, ये सब शामिल हैं। मैं अगर इनके टॉप प्लेयर्स की बात करूं तो बैंक में ICICI बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंश्योरेंस में ICICI प्रूडेंशियल, कोटक लाइफ, आदित्य बिरला, टाटा AIA, बजाज अलायंस। टॉप फाइनेंस कंपनीज की बात करें तो श्रीराम, चोलामंडलम, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ये सब आते हैं। टॉप AMC में SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया, UTI MF, एक्सिस म्यूचुअल फंड, ये सब आते हैं। टॉप शेयर्स ब्रोकर कंपनीज की बात करें तो ग्रो, ज़ेरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक, ICICI डायरेक्ट, मोतीलाल ओसवाल आते हैं। तो ये जितने भी नाम लिए हैं ये BFSI के टॉप प्लेयर है। बात की जाए BFSI में जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में, ब्रांच ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, सेल एग्जीक्यूटिव, सेल्स ऑफिसर, रिलेशनशिप मैनेजर, क्रेडिट एनालिसिस, ट्रेजरी एनालिसिस, डिजिटल बैंकिंग स्पेशलिस्ट, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, रिस्क एनालिस्ट, इंश्योरेंस एजेंट, अंडरराइटर, क्लेम ऑफिसर, ये सब आते हैं। तो दोस्तों स्किल डे पे अब समझते हैं इन अपॉर्चुनिटीज को अगर ग्रैब करना है तो क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। एनालिटिकल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, कस्टमर सर्विस स्किल, सेल्स स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल, टेक्निकल स्किल, मार्केट अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, रेगुलेटरी नॉलेज एंड नेगोशिएशन स्किल्स। इन शॉर्ट अगर बात करूं तो BFSI में कैरियर बनाने के लिए आपको बातचीत कैसे करना है ये पता होना चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, यानी आप काफ़ी प्रेजेंटेबल हों, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। इसके अलावा अगर टेक स्किल्स की बात करूँ तो यस, आपको कॉरपोरेट एक्सेल आना चाहिए और जो बैंकिंग कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका भी यूज़ आपको आना चाहिए, उनका आइडिया आपको होना चाहिए। तो दोस्तों मैं अब बताता हूँ कि आप ये सारे स्किल्स कैसे डेवलप कर सकेंगे। देखिए अड्डा 24/7 हमेशा आप सबके साथ खड़ा रहता है। इंडस्ट्री में, मार्केट में जो भी चीज़ें डिमांडिंग होती हैं अड्डा उन सब चीज़ों पर पहल जरूर करता है। इस बार बारी है BFSI की, यानी हम कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आने वाले हैं 23rd of July को। तो दोस्तों अगर आप वाकई में अपने कैरियर को लेकर सीरियस हैं और BFSI को टारगेट करते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार तो बनता है। बस 23rd of July तक बने रहिए और अपनी नॉलेज को एनहेंस करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।